आज रूबी बनाएंगी आपके लिए पेस्टो पास्ता, जो बड़ी फरमाइश आई थी हमारी फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मशरूम काटने हैं इस तरह, बारीक कोशिश करें कि जी इस तरह किया है मैंने। स्पिनिच ली है मैंने, और सोल्ट हस्बे जैका के मुताबिक ऑयल, सन ड्राइड टोमेटोज हैं और पेस्टो एंड साथ स्पेगेटी एंड चिकन चिकन स्टॉक स्टॉक। जी। अब मैं गोवा चिकन लूंगी, इस तरह हमने पीस बनाने हैं बड़े बड़े वाले और थिन, ये हमने लिए। जी अब मैं चूल्हा ऑन करने लगी हूँ, गरम कर रही हूँ इसको, और थोड़ा सा ऑयल डालोगी, आप देख सकते हैं। ऐसे इसको हॉट करना, जी आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, मैंने ये डाला है आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर तक हम इसी को एक ही साइड पे रखेंगे, फिर उसके बाद हम चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये अभी ऐसा ऐसा हो रहा है चिकन जी, जब तक ये बिल्कुल ब्राउन नहीं होगा, गोल्डन ब्राउन हम नहीं निकालेंगे। अब इसी तरह इसको कुक होने देंगे जी। अब मेरा काफी ब्राउन हो चुका है चिकन, ये इटालियन पास्ता है, इटालियन बना रही हूँ और फातिमा को बहुत पसंद है, उसकी फरमाइश के मुताबिक बना रही हूँ। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद है। बिल्कुल जी, बहुत पसंद है जी। अब आपने ट्राई करना है, फिर आपने मुझे बताना है कैसा बना। कमेंट जरूर कीजिएगा बनाने के बाद कि भाई हमने बनाया था तो कैसा बना। और थैंक यू वेरी मच, आज ये किसी ने कल भी जर्दा बनाया है, उन्होंने मुझे भेजा है कि ज़बरदस्त, हम 18 साल के बाद ट्राई किए हैं, स्टेप बाय स्टेप किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, इन्होंने परफेक्ट बनाया है। तो बेसिकली कहानी ये थी कि मेरा जो दोस्त है उनकी मिसेज ने 18 साल पहले कोशिश की थी ज़र्दा बनाने की, तो वो क्योंकि अच्छी नहीं बनी थी तो उन्होंने दोबारा कोशिश नहीं की बनाने की, लेकिन रूबी की रेसिपी देख के उन्होंने दोबारा कोशिश की और वो कामयाब हुई और बड़ी खुश हुई। और फिर कल वो उनका फ़ोटो भी आया तो जो ज़र्दा बनाया था, और माशाल्लाह रूबी बहुत खुश थी इस बात से कि इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। आज किसी और का भी आया है बिल्कुल, और ये बस फरमाइशें पे ही बन गई वीडियो। तो अब ये मैंने गोश्त को निकाल देना है प्लेट में, आप देख सकते हैं। जी मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया है इसमें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना आपने, और आप देख सकते हैं मेरे सू शेफ ने ये काटा इतना खूबसूरत, थैंक यू कितना यार आपने। खूबसूरत है यार, देखो प्रेजेंटेशन, देखो यार ये मेरी प्रेजेंटेशन है, क्या चलो खाक काटा है आपने, है इतना बुरा काटा है मैंने आपने। चुपके थले छोड़ दिया करते हैं मुझे नहीं पसंद से, ये इतनी मैंने मेहनत डाल में दिए, की थी, तरीके रखे थैंक यू, बहुत प्यारा सारे काम काटा मेरे को है। करवा रहे तो कहते कि मैं कुछ किया नहीं है लोकल वाला नहीं, बीवी को तो वैसे हर चीज उल्टी लगती है मियाँ की। सही है जी, कह सकते हैं आप। और इसको हमें करना है, नहीं थैंक यू, बहुत अच्छा प्लेट में रखा हुआ था, बहुत खूबसूरत। वाइफ खुश तो लाइफ खुश।
ये बस सिंपल सी है पॉलिसी, ये समझ आ जाए। मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें, मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा करना है क्योंकि मशरूम ने ऑयल को डिजर्व कर लेना है, तो उसका पानी भी अभी निकलेगा। मैंने ड्राई तो काफ़ी की है क्योंकि इसको मैंने धो के 3-4 घंटे ड्राई की है। यह मैंने ये ऐड कर दिया है, फिर तो स्टॉप कर दिया और उसके बाद मैंने सन ड्राइड टमेटोज ये ऐड कर दिए हैं। आपने चिली स्टिक डाल, चिली फ्लेक डालना है। मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। और साथ ही मैंने सोल्ट ऐड करना है, मैंने पिंक सोल्ट डाल दी, हंस में जायका के मुताबिक आपने डालना है। आपने कितना डाला? मैंने टीस्पून डाला है, हाफ, बाकी आप जायका हंस में जायका देख के करेंगे। मैंने फिर गार्लिक, ब्लैक पेपर, जी ब्लैक पेपर डालना है। अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालें, अगर थोड़ा खाते हैं तो आप थोड़ा डालें। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या ख्याल है सर, कैसी स्मेल आ रही है? ये मैंने पानी कर लिया है, फुल बॉयल हो गया। अब मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है, और जो स्पेगेटी है इसको ये मैं तोड़ के डालती हूँ, बच्चों के लिए, दूसरों के लिए इजी हो जाता है खाना। ये अब आप देख सकते हैं, जी आप देख सकते हैं, इसको मैंने निकाला है और प्रेस किया। अगर सही प्रेस हो रहा है तो ये बिल्कुल गल गई है, ठीक है। आप बनी बनाई आप वैसे खुद भी ले सकते हैं, सेंसबरी, टेस्को से बनी बनाई भी मिल जाती है, जिधर से भी मिल सकती है, और आप उसको भी फौरन ऐड कर सकते हैं। अब आपने पेस्टो का 1/2 टीस्पून लेना है, और साथ मैंने डबल क्रीम ली हुई थी, ये डबल क्रीम डाल रही हूँ, फुल क्रीम आप डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे सारा, डायरेक्ट कुकिंग, अब इसको जज़्ब कर लेंगे सॉस को उसके अंदर। आप देख रहे हैं अब ये पक रहा है बिल्कुल, आप 2-3 मिनट और पकाएंगे, फिर हम स्पिनिच ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम पास्ता ऐड करेंगे। ये मैंने अब स्पिनिच डाल दी है। वेरी गुड, स्पेगेटी की स्मेल तो बड़ी प्यारी आ रही है, स्पेगेटी सॉस है जी। आपका ये तैयार हो गया सॉस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे
स्पेगेटी। मैंने ये डालने शुरू कर दिया। अच्छा कि आपने वो आधा आधा तोड़ लिया था, इससे क्या हुआ कि वो आसानी से खाया जाएगा उनको। ये जी बैकग्राउंड में सूस शेफ भी काम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, आप समझे कि मैंने सूस शेफ को फारिग रखा हुआ है। इसलिए तोड़िए, बच्चों के लिए सबके लिए इजी हो जाएगा खाने के लिए, खाने के लिए बहुत लंबी लंबी नहीं होती वो, मुझे भी बहुत वो बिल्कुल दिक्कत होती है अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो तो। जी आपका ये तैयार हो गया है। जी ये आपकी तैयार है। वाह, ये आपका बन गया पेस्टो चिकन स्पेगेटी। सो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए, प्लीज़ अगर आपने ये बनाया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक करें और इसको शेयर करें, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।